अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी। हमारा बेसिकली इस चैनल को स्टार्ट करने का जो पर्पस है वो कोरोना वायरस COVID-19 की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे उसके बारे में डिटेल्स देना और इस चीज़ को डिस्कस करना कि वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में अभी तक जो है वो हमारे पास कितने केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हुए हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान के पॉइंट से भी सारी इंफॉर्मेशन देना और फिर एंड पे हम ये भी थोड़ा सा एक मैसेज भी देंगे कि हम इससे बचने के लिए हमारी बीइंग सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो अगर हम और ये जितने भी हम अपडेट्स आपको देंगे ये कोरोना वायरस से रिलेटेड अपडेट्स होंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमने ये चैनल स्टार्ट किया है अपने इस लाइव अपडेट्स देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो आप सबसे गुजारिश है कि आप जो है वो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इसके ऊपर आप हमें कमेंट्स भी दीजिए और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमें जो है वो चैनल को सपोर्ट मिल सके। तो सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, ये जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन है सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ये गवर्नमेंट के लेवल पर इंफॉर्मेशन है, जैसे जो हम पाकिस्तान की जो इन्फॉर्मेशन देंगे आपको वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के लेवल पे है, ये तमाम गवर्नमेंट के लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने एक्युमुलेट की है। तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो केसेस रिपोर्ट हुए हुए हैं वो यूएसए में है और ये हम आज के डेटा की बात कर रहे हैं जो 12th अप्रैल पे जो इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट हमें मिली है। तो यूएसए में अभी तक जो केसेस रिपोर्ट हुए टोटल केसेस जो हैं वो 5,33,115 हैं और के 20,580 डेथ्स हो चुकी हुई हैं और रिकवरी जो है वो जो पेशेंट जो रिकवर कर गए हैं वो 30,502 हैं और जो क्रिटिकल केसेस हैं इस टाइम पे वो 11,475 है। तो यूएसए इस टाइम जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्री में आ रहा है और नंबर फर्स्ट पे सबसे ज्यादा इफेक्टेड पे हो रहा है। सेकंड स्पेन इस टाइम पे आ गया है, इटली से भी आगे स्पेन आ चुका है, वो उसमें 1,63,027 टोटल केसेज हैं, डेथ्स जो है वो 16,606 हैं, रिकवर्ड जो है वो 59,109 है और 7,371 जो है वो क्रिटिकल केसेस हैं। अगर थर्ड नंबर पे इटली है, अगर हम इटली की बात करें तो इसमें 1,52,271 टोटल केसेस रिपोर्ट हो चुके हुए हैं, डेथ्स जो है वो 19,468 हो गई हैं, रिकवर जो पेशेंट हो चुके हुए हैं वो 32,534 हैं और जो क्रिटिकल केसेस हैं अभी इस टाइम पे जो वेंटिलेटर्स पे हैं वो 3,381 है। फोर्थ नंबर पे फ्रांस है जो 1,29,654 के टोटल केसेस हैं, डेथ्स 13,832 हैं, रिकवर जो पेशेंट हो चुके हैं वो 26,391 है और जो क्रिटिकल केसेस हैं वो 6,883 हैं। फिफ्थ नंबर पे जर्मनी है जिसपे 1,25,452 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 2,871 डेथ्स हो चुकी हुई हैं, रिकवर जो पेशेंट्स हैं वो 57,400 हैं और जो क्रिटिकल केसेस हैं वो 4,895 है। तो ये टॉप जो 5 मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज हैं कोरोना वायरस की वजह से उनकी ये डिटेल्स हैं, बाकी ये हमारे पास टॉप 12 का डेटा हमने एक्युमुलेट किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आज की तारीख तक 12 अप्रैल तक जो है इसमें हमारे पास जो केसेस हैं वो टोटल जो कंफर्म्ड केसेस हैं वो 5,170 हैं, इसमें से जो एक्टिव केसेस हैं वो 4,056 हैं, डेथ्स जो है वो 88 आज तक हो चुकी हैं पाकिस्तान में और जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं वो 1,026 हैं। और अगर हम डिफरेंट प्रोविंस वाइज बात करें, सूबों की बात करें, तो पंजाब का सूबा इस टाइम पर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, इसमें 2,464 टोटल केसेज रिपोर्ट हो चुके हुए हैं, एक्टिव जो है वो 2,185 है, डेथ्स जो है वो 21 हो चुकी हुई है और रिकवर जो केसेज हैं वो 258 है। सिंध की अगर हम बात करें तो सेकेंड नंबर पे सिंध का सूबा सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, इसमें 1,411 कन्फर्म केसेज हैं, एक्टिव केसेज जो है वो 1,010 है, डेथ्स जो है वो 30 केसेज हैं और जो रिकवर्ड है वो 371 केसेज हैं। अगर हम केपीके की बात करें तो 697 कन्फर्म केसेज हैं, एक्टिव 524 हैं, डेथ्स 31 हैं और रिकवर्ड जो है वो 142 हैं। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो 228 कंफर्म्ड केसेस हैं, 131 एक्टिव केसेस हैं और डेथ्स जो हैं वो 2 हो चुकी हैं और रिकवर्ड केसेस जो हैं वो 95 है। गिलगित बल्तिस्तान 216 कंफर्म्ड केसेस, एक्टिव 67, डेथ्स 3 और
recovered 146. अगर हम इस्लामाबाद की बात करें जो कि फेडरल सिटी है हमारा, तो इसमें 119 कंफर्म केसेस हैं, एक्टिव 105 हैं, डेथ्स 1 है और रिकवर्ड जो है वो 13 केसेस हैं। तो ये अब तक जो है वो टोटल हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो अब तक हमारे पास 12 अप्रैल तक जो है वो सारी अपडेट्स हैं। तो अगेन हम सब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, उससे जो भी हमारी, और ये हम डेली बेसिस पे इंशाल्लाह वो अपडेट्स वगैरह दिया करेंगे, तो वो अपडेट्स जो है वो आपके पास आ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।